जाना होगा। कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है तौफीक साहब। नहीं नहीं बेटा, ऐसे लोगों के लिए क्या अफसोस करना, ये तो चलती फिरती मैयतें हैं, सांस लेते हुए जनाजे हैं, क्यों अपनी ताजियत के अल्फाज में जाया करते हैं ऐसे लोगों के लिए। अरे ऐसे लोगों का होना ना होना बराबर है। मैं तो बस बेटा एक चीज चाहता हूँ कि किसी तरह अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की खुशियां देख लो। इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे, ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, हाफिज। ठीक है आप? हाँ बस ठीक हूँ, बहुत थकन महसूस कर रहा हूँ। नरियाद से आप किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं लेंगे, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अब आपका बेटा इस काबिल हो गया है कि आपका सहारा बन सके, अपने घर की जिम्मेदारी उठा सके। हाँ, हमारे इस घर में दौलत की रेल फेल तो नहीं होगी, लेकिन इज्जत होगी, रिस्क हलाल होगा, सुकून होगा, और मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि मैं कभी भी ये रिश्ते नाते तोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुमने नेक औलाद होने का हक अदा कर दिया। फाइज बेटा, मैं चाहता हूं तुम और हरीम फिर से एक हो जाओ। तुम्हारी शरीक हयात है, बहुत नेक बच्ची है वो। फुरकान, किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? चार दिन उसके घर में रह आए तो कोई एहसान नहीं किया उसने? एक लंबा अरसा हमारे घर में ऐश किया उसने, और जाते जाते मेरे बेटे की जिंदगी को घुन लगाकर चली गई। हंसना बोलना छोड़ दिया इसने, अपनी आंखों से देखकर आई हूं मैं उसकी बेहाई का तमाशा, कि सारा दिन किस तरह वो एक गैर मर्द के साथ घूमती फिरती रहती है और उसके बाप को गैरत भी नहीं है। मम्मी, बस कर दे, Thank you.
ये तो आपको उसके घर पनाह लेने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा हुआ ना, जितने शकूक और शुभा थे वो वहां रहकर दूर हो गए। मैं जाता हूं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं। ये जगह देख लेना, पता नहीं कब से बंद हो, कई सफाई की जरूरत होगी। मम्मी आप इस कदर जालिम हो सकती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है, मैं हूं ना सोचने के लिए। जो भी कुछ कर रही हूं अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए कर रही हूं। तुम्हें अंदाजा है हरीम को बहुत से मिल जाएंगे, हमें फायज दोबारा नहीं मिलेगा। और फायज भाई, क्या हरीम भाभी की जैसी उनको दोबारा बीवी मिल सकेगी? मैं अपने बेटे के लिए खुद लड़की ढूंढूंगी। हम ना भाभी जैसी। मम्मी को कुछ बोलते क्यों नहीं है? इस औरत ने सारी जिंदगी मुझे बोलने का दिया, अगर मैं बोलता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। बर्बाद कर दिया इसने सब कुछ, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तबाह। आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलेन हूँ। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। I love you. He say? You turn? हाँ, मैं। तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम माँ। वालेकुम सलाम बेटा। तो आज तुम ऑफिस जा रहे हो? जाना जरूरी है, हरीम पर बहुत बर्डन है। मेरी एब्सेंस में वही सारा काम देख रही थी ना, जाना तो पड़ेगा। मैं तो खुद ये चाह रही हूँ कि तुम जल्द अज जल्द जिंदगी की खुशियां और मसरूफियात की तरफ लौट आओ। माँ मैं तो हमेशा से ही मसरूफ हूँ, खुश भी हूँ। आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। मुदस्सिर, तुम मेरी जान हो बेटा, मेरी जिंदगी हो। आती जाती सांसों से पूछना नहीं पड़ता कि वो कितनी हमवार है, ना ही धड़कनें बताती हैं कि उनकी रफ्तार क्या है। ये तो हर गुजरने वाला लम्हा हमें खुद बताता है। इतना टची होने की जरूरत नहीं है। जिल्ले हुमा के होते हुए भी मेरी जिंदगी मुकम्मल थी, और अब जब वो नहीं है मैं दुखी जरूर हूं लेकिन गैर मुतमईन नहीं। जहां हूं जैसा हूं बस खुश हूं। लेकिन बेटा मैं खुश नहीं, मैं नहीं हूं मुतमईन। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं
क्या मेरी खुशियों के लिए कुछ कर सकते हो? ऑफिस में सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर खतरनाक इंसान निकलोगे, गंदे खराब ब्लैकमेलर हो तुम। घिन आ रही है मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से। जी चाहता है अभी यहां से चली जाऊं और कभी पलट कर भी ना देखूं। लेकिन नहीं नासिर, इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी तुम। अब मैं बताऊंगी तुम्हें तुम्हारे जैसे इंसान के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। फायज़ अब कम अकल और बेवकूफ नहीं रहा जो मस्नूई पत्थरों का खरीदार हुआ करता था। खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब तक दुकान खूबसूरत खरीदार मौजूद। ये वो आखिरी चेहरा है जिसको मिलने की ख्वाहिश थी मुझे, वो आखिरी शख्स जिसको मिलने की आरजू रखता था मैं। अलैकुम भाभी, लाइबा बात कर रही हूँ। लाइबा, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे भाभी मत कहा करो। काश भाभी के मैं फाइज भाई की आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसे उतार सकती। काश कि मैं आप दोनों के दरमियान में जो फासले उनको खत्म कर सकती। नहीं लाइबा, सच्ची मोहब्बत तो तेज आंधी की तरह होती है, जहां बदगुमानी के शोले भड़कने से पहले दम तोड़ देते हैं। भाभी, वो वकास को आपने मेरा नंबर दिया था? हाँ। मैं माज़रत खाऊं लाइबा, तुमसे बगैर पूछे मैंने ये काम किया। तुमसे माफी मांगना चाहता है, बहुत बोझ है उसके जमीर पे। भाभी, ये बोझ मम्मी के गुनाह होंगे जो उनकी औलाद के शानों पर आ गए। काश के मम्मी अभी भी इन सब चीजों को समझ सके। भाभी, वो वकास मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। भाभी, दिल बहुत बेचैन, शायद मैं वकास से मिलने चली जाऊं, क्योंकि मैं उसको सुनना चाहती। एक बेवफा को शर्मिंदा देख शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया।
यकीन नहीं आता बाबा कि वही फायज है जो दोस्ती और मोहब्बत पर यकीन रखता था, जो बिना जताए हमारी मदद किया करता था। ऐसा क्या हो गया जिसने उससे सोचने समझने की सिलाई छीन ली है? जो हुआ सो हुआ बेटा, लेकिन अब मैं इन तमाम पुरानी बातों को भूल जाना चाहता हूँ। मैं अब सिर्फ आगे देखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे एक मशवरा करना है। जी जरूर, कहिए बाबा। यार वो मुदस्सर की वालदा ने मुझसे राबता किया है। अच्छा, ये जो बात है ये ना हरीम को मालूम है और ना मुदस्सर को। वो दरअसल मुदस्सर के लिए हरीम का हाथ मांग रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि हरीम और फाइज का मामला एक दफा साफ हो जाए उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़ाई जाए। अप्पू, मैं तकरीबन रोज ही हरीम से बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी। वो फाइज की तरफ कभी नहीं लौटना चाहती, लेकिन आइंदा के लिए किसी नए तजुर्बे के लिए भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में तलाक का होना या ना होना उसके लिए बेमायने है, और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त हम ये बात छेड़कर हरीम को ज़हनी तौर पर और परेशान करें। वो अपनी जिंदगी में अपनी जॉब को लेकर बहुत मसरूफ और खुश है बाबा। नहीं यार, मैं हरीम को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता। अब मुदस्सर एक बड़ा अच्छा शरीफ लड़का लगता है मुझे, मेरे ख्याल में वो हरीम को खुश रखेगा। अच्छा बाबा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखो बेटा, मैं तुमसे ये चाहता हूँ, क्योंकि तुम और हरीम भाई बहन होने के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी हो, तुम हरीम को समझाने की कोशिश करो और मैं फाइज से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी अब मजीद खराब मत करें, और उसमें जरा सी भी इंसानियत पाई जाती है तो मुझे यकीन है कि वो हरीम को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। अगर हरीम ने अपनी जिंदगी के लिए फैसला कर ही लिया है तो इसे बांध के रखने का ना हम हक रखते हैं ना हमें जरूरत है। जो ये चाहते हैं वो कर दो। कागजात बाद में भिजवा देंगे। आजाद करो मेरी बेटी को और जाओ अपने घर वालों को लेके यहां से। लाइट थोड़ा इधर कर। देखिए नासिर साहब, आपको फौरन एडमिट होना पड़ेगा। आपका जख्म बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं कुछ अर्जेंट टेस्ट लिख रहा हूं, उनकी रिपोर्ट्स भी मुझे अर्जेंट चाहिए।
देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसको डिले ना करें, मामला खराब हो सकता है। डॉक्टर साहब कुछ अखराजात की वजह से डिले आ गया है, आप मुझे ये बताएं कि खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे वाली बात है नासिर साहब। देखिए मैं आपको किसी भी झूठी तसल्ली से मुतमईन नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपकी टांग काटनी पड़ जाए, वरना आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा। क्यों मतलब टांग काटनी पड़ जाए? मामूली सा जख्म था, सब जानता हूं मैं, ये डॉक्टरों के पैसे कमाने के तरीके हैं। जहां से चाहें आप अपना चेकअप करवाएं, जहां से चाहें आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक हो दुदाना बहन, माशाल्लाह आपने उमरा कर लिया और बच्चों की शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, बहुत खुश नसीब हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। बस ये सब कुछ मेरे बेटे की वजह से हुआ। ऐसा फरमा बरदार बेटा तो खुदा हर किसी को दे। देखे ना, बहन की शादी की इतनी धूमधाम से, इतना खर्चा किया और फिर मुझे उमरे पे भेजा। मैं तो कहती हूँ ऐसा बेटा नसीबों वाले को मिलता है। बिल्कुल, बहुत फरमा बरदार है आपका बेटा। शुक्र अल्लाह का। मारो, आधा तो मैं मर चुका हूं ना, ये मेरा जख्म, ये ट्यूमर बन गया और ये तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है। ये तुम्हारी बदज़बानी, बदअख़लाकी, बदतमीजी और तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का तोहफा है। पहले तुम हरीम को ब्लैकमेल करते रहे और अब तुम्हें पता चला कि वहां सिर्फ किसी चीज की उम्मीद नहीं है, तो तुमने समझा कि मैं तुम्हारा अगला शिकार हूं। एक बात याद रखना, मैं शिकार करने वालों में से हूं, होने वालों में से नहीं। हाय अल्लाह, मियां मेरे बच्चे को जिंदगी दे। खाला सारी। हाँ, नासिर ने घर बैठे इतना कुछ कर लिया, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इतना सारा पैसा कहाँ से अपने पैरों पे चला आ रहा है? अरे भाई, मैंने तो कई बार पूछने की कोशिश की, हमेशा यही कहता है, आपको तो आम खाने से मतलब, गिठलियां क्यों घूमती हैं आप? इसे अपनी खुशनसीबी समझती हैं? क्या माँ बाप का फर्ज नहीं है अपने बच्चों की अच्छी बुरी हरकतों पे नजर रखना या उनकी आमदनी के जरिए पे ध्यान देना? अपने फराइज से नजर चुरा के आप उसे खुशनसीबी का नाम देती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मुझे डरा रही हो। डरा नहीं रही, आप आईना दिखा रहे। अब इंसान को अपना अक्स भद्दा नजर आए तो इसमें आईने का क्या कसूर? देखिए मैं आपको किसी भी झूठी तसल्ली से मुतमईन नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपकी टांग काटनी पड़ जाए, वरना आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा। लाइबा मेरा यकीन करो,
जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता था। मामा ने सोचे समझने का मौका ही नहीं दिया, बस बिना सोचे समझे मामा के कहने पे चलता गया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा खलूस सब याद आता है। मामा एक बड़े घर में मेरी शादी करना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो। भुला नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन सवाल तो अभी वहीं पर, आप अपनी मम्मी के खिलाफ जाना नहीं चाहते, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? आपकी मम्मी हमारी शादी के लिए मान जाएंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बदनामी के इतने दाग हैं कि मरते दम तक मिटा नहीं सकेंगे, तो मेरी मम्मी भी राजी नहीं होंगी, वो तो आपका नाम तक सुनना नहीं चाहती। देखो एक रास्ता है जिससे सब के सब राजी हो जाएंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और थोड़ी हिम्मत करनी होगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हमने क्या कर लेते हैं? देखो शुरू में हमें कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, हम दोनों को साथ देके ऐसा ऐसा सब मान जाएंगे। बोलो दोगी मेरा साथ? लाइबा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा और ना ही मैं तुम्हें मजबूर करना चाहता हूं। तुम सोच समझ के फैसला कर सकती हो, अगर तुम फैसला ना ले सको तो मना कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या ऐसे क्यों चल रहा है? क्या बात है? खैर तो है फिर? पानी पिला था मुझे। की पाती तुम्हारा दूमरा करके आई है ना? हाँ हाँ। तू मेरे लिए दुआ कर, मेरी टांग ठीक हो जाए, जख्म भर जाएगा। हाँ हाँ, मैंने दुआ की है, सब ठीक हो जाएगा सब। पानी क्या हुआ? क्या बात है, कुछ बता तो सही, क्या हुआ? बोल तो सही कुछ। मऊ डॉक्टर ने कहा रात को एडमिट होना पड़ेगा। तो ना परेशान क्यों हो रहे हो? नासिर क्या हुआ बेटा, कुछ बता तो सही। मऊ की तो टांग काटनी पड़ेगी। क्या टांग काटनी पड़ेगी? क्या टांग काटनी पड़ेगी? लरहम करे, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैंने बहुत दुआ की, सब ठीक हो जाएगा। डाल दूं आपको? नहीं, मैं सिर्फ सूप पीऊंगा। भाई आ जाइए, खाना ठंडा हो जाएगा।
हाय, सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। सूप बहुत अच्छा है बेटा। हरी भाभी के घर रहकर खाना पकाना तो सीख गई हूँ मैं। हरीम के हाथ में बहुत जायका, उसके पके हुए खाने मुझे बहुत याद आते हैं। हरीम हरीम हरीम, क्या हो गया आप दोनों को? जितना मैं उस नाम को भुलाना चाहती हूँ उतनी तकरार होती है। इस किस्से को आप खत्म करें। क्यों मम्मी, जिनसे ताल्लुक रहा हो उन्हें अच्छे अंदाज में याद किया जा सकता है, उनमें कोई ना कोई तो खूबियां होंगी ना। मुझे तो अब भी वकास याद आता है। क्या होश में हो? दिमाग ठिकाने तुम्हारा? एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, हरीम हो या वकास, मैं अब इस घर में ये दो नाम नहीं सुनना चाहती। वो सोने के भी बनकर आ जाए ना आप, तो ना उन पर भरोसा किया जा सकता है, ना उनकी इस घर में कोई जगह है। रमी ठीक कह रहे हैं, आज के बाद ये दो नाम हरीम और वकास नहीं सुनना चाहता। खुमार।